वेल पद्मावती एक बहुत ही एम्बिशियस फिल्म है, एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है और मैं मेरे लिए बहुत मुश्किल है रुकना ये दो हफ्ते ये फिल्म कब रिलीज होगी, बिकॉज एक साल की हमारी मेहनत है इस फिल्म के अंदर और बहुत ही स्पेशल फिल्म है। आई थिंक हमारे लिए, आई थिंक दर्शकों के लिए भी ये बहुत स्पेशल फिल्म होगी, आई थिंक हिंदुस्तान के लिए बहुत स्पेशल फिल्म होगी, बिकॉज जिस स्केल पर और जिस ऑनेस्टी और जिस सिंसियरिटी के साथ मेवाड़ को रिप्रेजेंट किया गया है, चित्तौड़ को रिप्रेजेंट किया गया है, हिंदुस्तान के कल्चर को रिप्रेजेंट किया गया है, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेजडीज इन इंडियन हिस्ट्री और उसको जिस खूबसूरती से संजय सर ने दर्शाया है वो आई थिंक देख के ही समझ में आएगा। आई थिंक ऑल ऑफ अस, हम जितने भी हैं, आज मैं आया हूँ, आई एम श्योर दीपिका आई थी, आई एम श्योर रणवीर आएंगे और हम सब ने इस फिल्म को अपना खून दिया है, अपना पसीना दिया है एंड वी ऑल रियली 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 वर्क वेरी हार्ड ऑन दिस फिल्म, सो वी कांट वेट टू सी व्हाट पीपल थिंक। और अब ये फिल्म 3D में भी रिलीज हो रही है, विच मैं एक्चुअली हम लोग प्राइम फोकस, वी गॉन टू प्राइम फोकस और वहाँ पे उन लोगों ने हुआ डूइंग द पोस्टर ऑफ द फिल्म और ओरिजिनली इसको 3D में बनाने का प्लान नहीं था, बट जब फिल्म देखी गई लोगों ने उसको इतना पसंद किया दैट सामने से पीपल अप्रोच्ड एंड सेड दैट दिस फिल्म डिजर्व्स टू बी इन 3D। और जब मैंने खुद जाके ट्रेलर 3D में देखा, विच वॉज 2 weeks आफ्टर द ट्रेलर हैड बीन लॉन्च, आई वॉज इन शॉक, आई वॉज एक्चुअली सिटिंग देयर थिंकिंग ये मेरी पिक्चर है यार, आई कांट बिलीव इट, सो आई रियली थिंक इट्स गोना बी अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस विच एवरीबडी इन दिस कंट्री शुड सी। आई फील प्राउड कि हमारा देश इस स्केल की फिल्म में बना रहा है और हमारी सभ्यता को दर्शाते हुए हिंदुस्तानी फिल्म को इस स्केल पे बना रहा है। ऐसा नहीं है दैट वी आर ट्राइंग टू गो अब्रॉड एंड यू नो शो अ कल्चर दैट इज नॉट अस टू ट्राई एंड लुक बिगर, इट्स अ वेरी इंडियन फिल्म, इट्स अ वेरी हिंदुस्तानी फिल्म एंड इट्स अ फिल्म विच टॉक्स अबाउट आवर हिस्ट्री। बहुत ही डिफरेंट लुक है फ्रॉम पहले तो मुझे 4 महीने लगे मूंछ और दाढ़ी उगाने में, पहले मुझे लगा था 1-1.5 महीने में मूंछ टर्न हो जाएगी, बट फिर बाद में समझ में आया कि 3-3.5 महीने से पहले मूंछ टर्न होती नहीं है, वो नीचे ही गिरती रहती है, मूंछों में ताव आसान नहीं है, बिल्कुल आसान नहीं है, तो बहुत यू नो बहुत उसको ग्रो करके बहुत मैनेज करना पड़ा है, तेल पिलाना पड़ता है उसको। हाँ बहुत सारी चीजें होती है, आई डिस्कवर्ड दैट यू नो मेंस ग्रूमिंग इज अ बिग एरिया, बहुत सारे लोगों को ऐसी और मेंस ग्रूमिंग लाइन खोलनी चाहिए।